Assalamualaikum friends, my name is Mohammed Awais and today I am back with a new tech news. So after a long time, मैं आखिरकार वापसी आ चुका हूँ और without wasting more time, let's get started the video. आज की first tech news की बात कर लूँ तो वो आ रही है Twitter की तरफ से. Twitter ने अपना जो Elon Musk हमारे हैं उन्होंने जनाब अली Twitter का नाम चेंज कर दिया है, यानी कि टोटली लोगो भी चेंज कर दिया है, नाम भी चेंज कर दिया है और कई कंट्रीज़ के अंदर डोमेन भी चेंज हो चुकी है. ट्विटर ने अब अपना नाम एक्स रखा है, सिर्फ सिंपल एक्स है. इसी वजह से ट्विटर के इस नेम चेंजिंग की वजह से काफ़ी लोगों ने ये बात कही है कि ट्विटर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज काफ़ी सालों से ट्विटर को जो है हम सिर्फ ट्विटर के ही नाम से जानते हैं और कई जगहों पे जहां ट्विटर के लोगोज़ वगैरह पुराने जब चल रहे होंगे अब वो उनको अपग्रेड करने पड़ेंगे तो काफ़ी कुछ हलचल मच जाएगी काफ़ी. लेकिन आफ्टर ऑल जो Elon Musk ने चाहना था वो ये होना था, क्योंकि इस वक्त जो ऑनर हैं वो Elon Musk हैं इसके. इसके साथ साथ डोमेन जो है वो भी चेंज की गई, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज ने बैन लगाया, बिकॉज इंडोनेशिया उनके अंदर शामिल है बेसिकली, तो इंडोनेशिया ने लगाया और काफ़ी कंट्रीज इस वजह से शायद लगा भी सकती हैं बैन. और वो बेसिक वजह ये है कि डोमेन जो है वो कुछ सही नहीं बन रही. अकॉर्डिंग टू देम उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी इस डोमेन की वजह से. पहले भी वो फेस कर चुके हैं और वो दोबारा फेस नहीं करना चाहते. इस वजह से उन्होंने इंडोनेशिया के अंदर x.com यानी कि जो ट्विटर .com था वो अब x.com के अंदर जो कन्वर्ट हुआ है उसको बैन कर दिया है. लेट्स सी कि इस पे Elon Musk क्या करते हैं. सो अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं. सो अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की बात कर लो तो वो सैमसंग ब्रांड की तरफ से आ रही है. सैमसंग ने यहाँ पे अपनी बहुत सी अमेजिंग जो है डिवाइसेस को लॉन्च किया है. इसके अंदर Z Fold 5 है, Z Flip 5 है, इसके अंदर इनकी वॉचेस हैं, टैब की 9 सीरीज़ है इनकी जो कि बहुत अमेजिंग है. 12.5 इंचेस, 14 इंचेस एंड मेरे ख्याल में 11 इंचेस के अंदर भी ये चीज़ आ रही है 9 इंचेस के अंदर. तो टैब्स के अंदर भी काफ़ी वैरायटी आ गई है, वॉचेस के अंदर भी काफ़ी कुछ नया आया है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे Z Flip और Z Fold की बात करूँ सिर्फ, तो यहाँ पे हमें मेजर चेंज हिंजेस के अंदर और Z Flip के अंदर हमें जो सेकेंडरी स्क्रीन है यानी कि जो फ़ोन बंद करने के बाद हमें जो स्क्रीन मिलती है उसके अंदर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की गई है. 3.5 या 3.3 इंचज़ का जो स्क्रीन डिस्प्ले है वहाँ पे हमें दिया गया है, तो ये काफ़ी बड़ी एक इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है. अब यहाँ पे बात कर लीजिए सैमसंग की जो इवेंट से थोड़ा हट के सैमसंग और क्या करने जा रहा है. तो यहाँ पे सैमसंग के अंदर वन UI 5 जो है वो हमें इस वक्त मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे वन UI 6 जो है बीटा वर्जन वो लॉन्च हो चुका है या कुछ ममालिक के अंदर लॉन्च होने वाला होगा. सो इसके अंदर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी मिलेंगी, कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी और ये बेस्ड होगा एंड्रॉयड 14. बेटर स्पीड एंड्रॉयड 14 भी हमें उस मोबाइल के अंदर मिलेगा जिस मोबाइल के अंदर वन UI 6 चलेगा. इसी के साथ साथ यहाँ पे एंड्रॉयड 14 के हवाले से एक लीक किया आ रहा है सामने कि इस साल जब एंड्रॉयड 14 लॉन्च हो जाएगा ऑफिशियली, शायद कुछ अपग्रेड्स के बाद इसके अंदर हमें बैटरी हेल्थ फीचर भी मिलेगा जो बिल्कुल भी एप्पल की तरह वर्क नहीं करेगा. उसकी रीज़न ये है कि एप्पल जो है यार वो थोड़ा सा लग्जरी ब्रांड, पैसे ज़्यादा कमाने हैं किस तरह कमाने हैं एवरी बडी नोज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के अंदर जाता है. तो इस तरह नहीं, ये इस बैटरी हेल्थ शो करवाने का ये मतलब नहीं होगा कि कतन कि आपको हर 2 साल बाद या साल बाद आपको बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी. एंड्रॉयड फ़ोन का यही तो मज़ा है, अगर वो मज़ा ख़त्म कर दिया तो लोग एप्पल पे शिफ्ट हो जाएंगे. इसी के साथ साथ यहाँ पे सैमसंग के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये है कि सैमसंग S23 फैन एडिशन इज़ कमिंग सून. और वो मेरे वाला कमिंग सून नहीं है, जैसे मैंने अपनी AI की वीडियो के अंदर कह देता हूँ और काफ़ी वीडियोज़ के अंदर कह देता हूँ, दिस इज़ अ लीक, बट ये स्ट्रॉन्ग रूमर है और मैं इसको कंफर्म करता हूँ. और भाई जान जो चीज़ मैंने कंफर्म की है वो कंफर्म होती है. अभी अगले 1 या 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर S23 फैन एडिशन लॉन्च हो जाएगा. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे जो सैमसंग के टॉप एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने ये बात क्लियर की है कि सैमसंग के जो फैन एडिशन है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है. सो अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं. सो अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की बात करता चलो तो वो आ रही है शाओमी की तरफ से. अगर सैमसंग यार मार्केट के अंदर नहीं है तो शाओमी कैसे पीछे रह सकता है. शाओमी इज़ सून लॉन्चिंग इज MI शाओमी यानी कि MIX 3. तो MIX 3 जो है जूसर का नाम नहीं है, एक फ़ोन का नाम है जो कि इनका फोल्डेबल फ़ोन है. उसकी 3rd सीरीज़ जो है वो लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर हमें लाइका की ब्रांडिंग मिली है. डेट्स मीन के
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लाइका इज अ कैमरा कंपनी जस्ट लाइक सोनी। तो लाइका की ब्रांडिंग के साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, यहाँ पे इस पर हमें गुड जूम मिलेगा, 67 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलेगी, स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 और फ्लैगशिप सीरीज की जो भी आप कह सकते हैं इंटरनल्स होते हैं वो हमें मिलेंगे। सो अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की बात करते हैं। सो यहाँ पे अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की बात कर लूँ तो वो आ रही है वन प्लस की तरफ से। कमाल हो गया यार, हर बंदा जो है इस रेस के अंदर दौड़ रहा है सिवाय एप्पल की। जब एप्पल आएगा तो सब उड़ जाएंगे, लेकिन वन प्लस जो है वो भी अपनी फोल्डेबल सीरीज़ को लॉन्च करने जा रहा है, जिसका पता एक ट्वीट से चला कि वन प्लस ने काफ़ी अर्सा पहले एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने वाज़े किया था अपना नेम जो उन्होंने अपनी डिवाइसेस का रखना है, और वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वन प्लस ओपन या ओपन वन प्लस के नाम से जो है एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे ये फोल्डेबल मार्केट के अंदर अपनी, जिसकी रिजेम्बलेंस जो होगी वो ओप्पो की जो फोल्डेबल सीरीज़ की थर्ड सीरीज़ है फोल्डेबल उनकी, उससे रिजेम्बलेंस बहुत होगी, यानी कि फाइंड N3, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस होगी इसकी, आप लुक्स वाइज कह सकते हैं। सो अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की बात कर लो तो वो आ रही है PTA की तरफ से। PTA इस वक्त पूरे का पूरा फोकस जो है वो आपके मोबाइल्स और इसके साथ साथ अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी कर रहा है, और इसकी वजह से PTA का ये मानना है कि PTA को एक और आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, और उस डिपार्टमेंट को बनाने के लिए PTA ने कुछ इकदाम शुरू कर दिए हैं। होप सो वो जल्दी बन जाएगा। अभी इस वक्त जो हमारा करंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखने वाली जो ब्रांच है उसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, इतना लंबा नाम मुझसे नहीं लिया जाएगा, PEMRA, ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब आप ये सर्च कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा क्या है, ठीक है। तो ये इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये उन सबको संभाल रहा है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो या किसी का भी हो जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे वो उनको कंट्रोल कर रहा है ये इदारा। लेकिन ये इदारा पूरी तरह अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा, डैट्स वाई एक और जो है PTA ने सोच रहा है, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन होप सो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की बात कर लो तो वो आ रही है टेक्नो की तरफ से। टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोवा 5 प्रो सीरीज़ जो है उसके अंदर ऐसा लगता है कि रूमर्स के हिसाब से, अगर टेक्नो यार ये वाला जो रूमर्स के हिसाब से मोबाइल उन्होंने बताया अगर ये लॉन्च करता ना, तो यार ये शायद नथिंग फ़ोन को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि इसके अंदर सेम जिस तरह उन्होंने अपनी ग्लिफ लाइटिंग दी थी और जिसको कहते हैं बैक पैनल पे उन्होंने लाइट्स वगैरह लगा के दी थी नथिंग फ़ोन 1 के अंदर भी और 2 के अंदर भी, सेम ऐसे ही टेक्नो पोवा 5 प्रो सीरीज़ के अंदर जो है कहा जा रहा है कि दी जाएंगी, और ये RGB होंगी। इसकी मैं जो कुछ लुक्स हैं वो मैं स्क्रीन पे ज़रूर प्रेजेंट कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसके साथ साथ इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, साथ ही साथ टेक्नो की तरफ से आने वाली ऑल अराउंड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जो कि 68 वाट्स फास्ट चार्जिंग है, ठीक है। सो 0 to 100 इसको 15 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे फ़ोन को। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी होगी, और जो रूमर्स है वो मुझे सिर्फ एक ही इस चीज़ का डाउट है मुझे कि ये इम्प्लीमेंटेशन इस मोबाइल पे होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत फ्लैगशिप सीरीज़ का तो मोबाइल नहीं है, लेकिन टेक्नो ने काफ़ी ऐसी चीज़ें करके बजट कैटेगरी के अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं जो किसी ने भी नहीं की। जैसे मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था टेक्नो के कैमन सीरीज़ के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने रिट्रैक्टेबल लेंस को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो भी कमाल चीज़ थी। सो अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करते चलूँ कि यहाँ पे मैं अपनी हर टेक न्यूज़ के अंदर एक और न्यू सीरीज़ जो है वो भी शामिल करना चाहूँगा, और उसका नाम मैंने रखा है टेक तेज़तर। ये सीरीज़ मैंने इंस्पायर होकर रखी है काफ़ी बड़े यूट्यूबर से, बेसिकली जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनके अंदर टेक्निकल गुरुजी और 2-3 और यूट्यूबर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो ये बताना अब मुझे लगता है इसलिए ज़रूरी है, कई लोग ऐसा कमेंट करते थे कि आप कॉपी कर रहे हो, तो कॉपी नहीं किया, इंस्पायर हुआ हूं और अपना नाम रखा है, किसी का नाम कॉपी नहीं किया। सो आज से तेज़
तर जो हमने न्यूज़ है टेक न्यूज़ वो शुरू करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टेज तर न्यूज़ हमारी आई है आईफोन की तरफ से, आईफोन 15 के अंदर, जहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आईफोन 15 और 15 प्लस के अंदर हो सकता है हमें नेक्स्ट ईयर 48 मेगापिक्सल मिले, जो कि एक रूमर है। अगली न्यूज़ की बात कर ले तो यहाँ पे हमारी अगली न्यूज़ आ रही है गूगल के प्ले स्टोर की तरफ से, जिन्होंने प्ले स्टोर को टोटली न्यू कर दिया है बिग मोबाइल्स, बिग स्क्रीन्स और आप कह सकते हैं फोल्डेबल मोबाइल्स वगैरह के लिए, टैब्स के लिए। और अभी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूँ तो वो आ रही है यहाँ पे वीवो की तरफ से। वीवो के पाकिस्तान के अंदर दो मोबाइल लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है वीवो Y36 और वीवो Y02। Y02 बहुत ही एंट्री लेवल का मोबाइल है, लेकिन Y36 इज़ अ गुड मोबाइल जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। दोनों के जो परचेजिंग लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा देने की, अगर दे सका तो दे दूँगा। सो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लूँ तो वो आ रही है यहाँ पे आईफोन की तरफ से अगेन। यहाँ पे आईफोन जो 2007 का जहाँ मोबाइल, यानी कि आईफोन फर्स्ट जनरेशन आप कह सकते हो उसको, वो आईफोन 5 point something करोड़ के अंदर जो है वो सेल हुआ है ऑक्शन के अंदर। सो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लूँ तो वो पंजाब पुलिस की तरफ से आ रही है। पंजाब पुलिस ने एक नए तरीके से ड्रग्स को जो है पकड़ा है, यानी कि नया तरीका तो चोरों ने अपनाया था लेकिन पंजाब पुलिस ने उसको अडॉप्ट कर लिया। ये तरीका था ड्रग्स अप्लाई करने का थ्रू ड्रोन, तो इसको उन्होंने नाकाम बना दिया। अगली न्यूज़ की तरफ चलूँ तो वो आ रही है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूबर ZHC की तरफ से एक सबसे बड़ा आईफोन जो है वर्किंग कंडीशन के अंदर लाया गया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 8 foot जो है इसकी मेजरमेंट है, टॉल है ये 8 foot, और ये इसके अंदर सब चीज़ें वर्क करती हैं। वो किस तरह करती हैं और किस तरह नहीं करती, अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसका भी जो है नई वीडियो बना दूंगा। सो ये थी आज की मेरी टोटल होल टेक न्यूज़, जिसके अंदर हमने टेक न्यूज़ और तेज तर न्यूज़ को डिस्कस किया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।